हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेक्सोलैन सिरप के बारे में। डेक्सोलैन सिरप क्या होता है, क्या है इसके यूज़ और साइड इफ़ेक्ट्स और प्राइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है हेल्थ ज्ञान विकास 24। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेक्सोलैन सिरप का यूज़ बेसिकली डिफिशियंसी ऑफ आयरन के लिए किया जाता है। ये डेक्सोलैन सिरप अडल्ट वाला नहीं है, ये पीडियाट्रिक सिरप है, मतलब जो बच्चों में यूज होता है वो सिरप है। तो जिन बच्चों में खून की कमी होती है तो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिरप है और काफ़ी बेस्ट सिरप है ये। मतलब इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन है, फोलिक एसिड है एंड विटामिन B12, और ऑरेंज फ्लेवर्ड में है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब किसी बच्चे में आयरन की कमी है तो आयरन के लिए भी इसे डेक्सोलैन पीडियाट्रिक सिरप को दे सकते हैं, और प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी को भी काफ़ी अच्छे से पूरी करता है। फोलिक एसिड अगर किसी बच्चों में कम होता है तो उसे भी पूरे अच्छे से ठीक करता है, और विटामिन B12 अगर कम है बच्चों में तो उसे भी काफ़ी अच्छे से रिकवर करता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, उन्हें मतलब कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और खून की बहुत ज़्यादा कमी है, एनीमिया है उन्हें, तो उस टाइम पर इसे दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से बच्चों को रिकवर करता है और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और बच्चों को अच्छे से भूख लगती है बच्चों को, और आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है, जिससे बच्चों को काफ़ी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बात कर लेते हैं डोसेज फॉर्म के। तो ये एक ढक्कन सुबह शाम बच्चों को खाना खाने के बाद, मतलब जो बच्चे दूध पीते हैं उन्हें दूध पिलाने के बाद दिया जाता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर इसका ज़्यादा ओवर डोज दिया जाए तभी साइड इफ़ेक्ट करता है, वरना डेक्सोलैन सिरप के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, इसमें कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट हैं अगर ये ज़्यादा ओवर डोज हो जाए तो, जैसे नाउजिया है, वोमिटिंग है, इरिटेशन है, या बच्चों की स्किन रेड हो जाना है, ऐसे नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है। और इसके एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके प्राइस हैं 80.65, मतलब 80 रुपये का किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और आप इसे अच्छे से खरीद भी सकते हैं। काफ़ी फेमस है, नाम से बिकने वाली दवा है। तो डेक्सोलैन पीडियाट्रिक सिरप का यूज बेसिकली बच्चों के मतलब एनीमिया, मतलब खून की कमी के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डेक्सोलैन सिरप का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।